हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सेट नंबर 3 की, यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो इस सेट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ये सीरीज चलाई जा रही है 1000+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम दे लो, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली RRB JEE की बात करते हैं तो उसमें अलग से 10 नंबर का कंप्यूटर रखा गया है। तो अगर आप RRB JEE का मतलब की जो CBT 2 आप फेस करते हो तो आपको इन सीरीज से बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो आपने देखिए, दो सेट नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे आपको, और वहां से देख लीजिएगा। आपको ये सीरीज मिस नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस है 50 सेट यहाँ पे कराए जाएंगे, और 50 सेट में हम मतलब कि एक दिन में 2 सेट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो 25 दिन में पूरे सेट कंप्लीट हो जाएंगे और 1250 टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि एक सेट के अंदर यहाँ पे 25 क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और देखते हैं यहाँ पे किस तरह के क्या क्या क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सेट नंबर 2 है, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी सी सीलिंग मिस्टेक हुई थी, क्वेश्चन नंबर 40 में, तो मैंने पहले वही ले लिया है। देखो, सारी चीजें एक्सप्लेन एकदम सही की थी, लेकिन बस आंसर थोड़ा सा मतलब कि बताना कुछ और था, आंसर कुछ और बता दिया था। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0 से लेके 7 तक के जो नंबर है इनका हमें बताना है कि इनको ये क्या होते हैं, क्या इन्हें कहते हैं। तो देखो, 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं इनको कहते हैं ऑक्टल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑक्टल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हमने गलती से यहाँ पे बाइनरी बता दिया था, तो बाइनरी नहीं होगा, क्योंकि 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं ऑक्टल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्टल नंबर का बेस, आपसे पूछ लिया जाए तो बेस हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 0 से लेके 7 तक के जो ऑक्टल नंबर होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, 0 से 7 तक के जो ऑक्टल नंबर है इनको बाइनरी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो किस तरह से निकालते हैं ये आपको आना चाहिए, और ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया भी था किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बार बता देते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 0 का निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, 0, अब 0 का तो 0 हो गया, लेकिन अब 1 का निकालना है, तो हम भी बस इसमें एक ऐड मतलब एक एक ऐड करते चलेंगे, एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 1 का हो गया। इसी तरह से अब हमें निकालना है 2 का निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो 1+1 यहाँ पे 0, और यहाँ पे मतलब कि 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ 1 चला गया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से करके यहाँ पे 2 का क्या निकल गया, 2 का निकल गया यहाँ पे 10। इसी तरह से हम 3 का निकाल सकते हैं, 2 का हमारे पास क्या है 10, तो 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 1, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 का, ठीक है। इसी तरह से 4 का निकाल सकते हैं, 4 का निकालने के लिए बस इसमें एक और ऐड कर देंगे, तो 1 1 यहाँ पे 0, 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1, इस तरह से। तो ये सारी चीजें हमने समझा दी थी, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारे पिछले सेट का क्वेश्चन था, और पिछला जो सेट था सेट नंबर 2, वहां पे मतलब कि 50 क्वेश्चन कवर कराए थे, क्योंकि देखो पहले सेट में 25 करा दिए थे और दूसरे सेट में 25, तो इस तरह से करके अपने टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, और क्वेश्चन नंबर 51 है ये हमारा है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, और इनमें से हमें बताना है कि माइक्रो कंप्यूटर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस यहाँ पे है, 5 ऑप्शंस है, तो इनमें से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, बाकी सारे जो ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट PC, हैंडल कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। तो देखो, जो मैंने सेट नंबर पहला डाला था उसमें ये चीज डिस्कस की थी, फिर से मैं बता देती हूँ। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इनका यूज बड़े बड़े जो संस्थान है वो भारी मात्रा में जो आंकड़ा संस्करण है उसको आंकड़ा संस्करण करने के लिए जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका यूज लेते हैं। और जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसकी साइज की बात करें तो काफी बड़ी इसकी साइज होती है, ठीक है। ये तो हमने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, इसी तरह से हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इनमें क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर है इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर का। और जो माइक्रो प्रोसेसर का इनमें यूज किया है वो CPU के रूप में होता है, CPU के रूप में, ठीक है।
और जो ये माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो मिनी कंप्यूटर है उनकी तुलना में ये साइज में काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मतलब कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी दिखाए गए। यहाँ आप देख सकते हो, देखो माइक्रो कंप्यूटर कुछ इस तरह के होते हैं, मिनी कंप्यूटर कुछ इस तरह के होते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर कुछ इस तरह के होते हैं, सुपर कंप्यूटर कुछ इस तरह के होते हैं। इस तरह से करके यहाँ पे ये चीज दिखाई गई है ताकि आपको हर चीज का पता हो कि किस किस तरह के कैसे क्या कंप्यूटर होते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन के लिए जो कंप्यूटर है कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है ये यहाँ पे बताना है। कौन से कंप्यूटर नहीं सॉरी यहाँ पे मतलब जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर होता है उसका किस तरह से जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है ये यहाँ बताना है। तो देखो मतलब कि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जनरल जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि जो स्मॉल डाटाबेस है वो क्रिएट करने के लिए और जो कैलकुलेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, ये जनरल पर्पस है। इनके लिए किसको यूज किया जाता है? कंप्यूटर को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर वन में मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कराया था। जो स्पेशल पर्पस के जो कंप्यूटर होते हैं उनका यहाँ पे बताना है कि यहाँ जो पांच ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं इनमें से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के कौन सा उदाहरण नहीं है, यानी कि इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, इसका उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वर्ड प्रोसेसर है ये यहाँ पे इसका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, इसका उदाहरण नहीं है। अब इसका आंसर तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने बताया था सेप्टेम्बर वन में, फिर से बता रही हूँ। इनका जो यूज होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स का, इसका यूज मिलिट्री प्लेन्स हो गई, बोट हो गई, और सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हो गए, डिफेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस हो गई, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कंप्यूटर का जो यहाँ पे बेसिक आर्किटेक्चर है उसका पूछा है कि उसको किसने डेवलप किया, किसने विकसित किया। कंप्यूटर के यहाँ पे बेसिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो देखो जहां पे भी आप ये क्वेश्चन देखते हो कि कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है इसको डेवलप किसने किया, तो हमारा आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। इसने किया और कब किया? 1945 में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो कंप्यूटर की बात करें तो नॉर्मली हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो देखो उसमें जो एक सीक्वेंस होता है प्रोसेसिंग का किस तरह से होता है। कंप्यूटर होता है उसमें सबसे पहले जो भी डाटा हम एंटर करेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी डाटा, वो हमारा कहलाएगा इनपुट डिवाइस, इनपुट कहलाएगा इनपुट। ठीक है, अब इनपुट जैसे ही कंप्यूटर के अंदर जा रहा है उसके बाद उस इनपुट पे क्या होगी, कुछ न कुछ प्रोसेसिंग होगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर में हो रहा है इनपुट एंटर कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मतलब रिजल्ट जो निकल के आता है वो होता है आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद फाइनली उसको स्टोर किया जाता है इस तरह से करके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी मशीन है, कौन सी एक ऐसी मशीन है जो कि एक बार में एक कार्ड को रीड करती है, ये पूछा है। तो हमें उस मशीन का बता रहा है कि कौन सी मशीन है जो एक बार में एक कार्ड को रीड करती है, तो ये है टैबुलेटिंग। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टैबुलेटिंग है वो एक बार में एक कार्ड को रीड करती है। बाकी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए दे रखा है पास्कलिन और ऑप्शन सी दे रखा है एबिकस, इनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ सेट नंबर वन में। तो देखो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो चीजें क्या है ना एक दूसरे से मैंने कनेक्टेड होती हुई, जैसे सेट नंबर वन में ये चीजें आ चुकी हैं तो अब ये बार बार मतलब कि उन्हीं चीजों को दोहराए उससे कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये रहेगा कि जो सीरीज चलाई जा रही है आप पूरी की पूरी देखो ताकि आपकी कोई सीरीज कोई भी सेट मिस भी ना हो और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये पूछा है। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये है परम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परम। अब देखो ऐसे तो भारत में विकसित और भी खूब सारे सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे कि आदित्य हुआ, अनुपम हुआ, परम युवा हुआ, परम युवादित्य हुआ, सांगा 220 हुआ, विक्रम 100 हुआ, क्रे XC40 हुआ, भास्करो, इस तरह से काफी सारे सुपर कंप्यूटर है, लेकिन भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर पूछा है। तो पहला कौन सा है? पहला है परम। ठीक है,
अब यहाँ पे देख सकते हो जो परम कंप्यूटर है कुछ इस प्रकार के, साइज में काफी बड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं ये, ठीक है। और इनकी स्पीड है वो काफी अच्छी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो पोर्टेबल और सुविधाजनक है, जो कि यूजर्स जो होते हैं उसको, यूजर्स है उसको यात्रा करने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको किस रूप में जाना जाता है, क्या कहा जाता है ऐसे कंप्यूटर्स को, ये यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको 100% इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैपटॉप, क्योंकि जो लैपटॉप है इसको कैरी करना काफी आसान होता है। तो ऑप्शन डी है, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लैपटॉप्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कि कई सारे पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर है उनके लिए डाटा और कार्यक्रम है उसको संग्रह रखता है, यानी स्टोर रखता है, तो उसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पूछा है। एक केंद्रीय कंप्यूटर, उस केंद्रीय कंप्यूटर का हमें बताना है क्या कहते हैं उसे, जो कि कई सारे पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए जो डाटा और कार्यक्रम है उनको संग्रह रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा, यहाँ पे देखो क्या है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करना और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना, इंफॉर्मेशन के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना, ये क्या कहलाता है, यानी कि डाटा को कलेक्ट करना और उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रोसेसिंग हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंप्यूटर में हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फाइनल निकल के आता है आउटपुट, और उस आउटपुट को क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से क्या ईडी से है, इसकी विशेषता नहीं है। तो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप कब कर पाओगे, जब आपको पता होगा ईडी से के बारे में, ईडी से है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसकी फुल फॉर्म ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ ली जाती है। तो देखो ईडी से की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और इसका देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक देरी भंडारण स्वचालित कैलकुलेटर ये है, और ये एक प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था, ये ईडीसेक, ठीक है। और इसका जो निर्माण है ये कहाँ किया गया था वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसका निर्माण इंग्लैंड के जो कैम्ब्रिज मैथमेटिकल लेबोरेटरी विश्वविद्यालय उसमें इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है ये एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे है ये ईडीसेक के बारे में, बाकी सारे ऑप्शन है ये सारे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग डिवाइस है ये एक साथ समूहीकृत किए गए हैं किसमें, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है इसका जो एक तरह से, मतलब कि पूरा जो प्रोसेसर होता है वो इसी तरह से होता है, सबसे पहले कोई भी हम इनपुट देंगे उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद फाइनल आउटपुट निकल के आएगा और उसके बाद उसको स्टोर किया जाएगा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि जो कंप्यूटर का बेसिक, यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है। तो हमें उस ऑप्शन का को ढूंढना है जो कि कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है। तो देखो बेसिक फंक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए, तब आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। देखो जैसे कि इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गई, आउटपुट हो गई, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। और जो ये कॉपी टेक्स्ट है ये इसका क्या नहीं है, बेसिक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा कॉपी टेक्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, सिस्मोग्राफ है ये किसका एक उदाहरण है, ये यहाँ पे पूछा है, और इसके लिए ऑप्शन हमें दे रखे हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी या फिर ऑल ऑफ द अबाउ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा जो एनालॉग कंप्यूटर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए।
तो देखो एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो कंटिन्यूस चेंजेस हैं उसको ये मेजर करता है। कौन? एनालॉग कंप्यूटर। और ये मतलब एनालॉग कंप्यूटर है, ये एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जो कि अनेक समस्या है उनका समाधान करता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये डाटा को डिजिट के रूप में यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में ये कार्य करता है। यानी कि किस तरह से काम करता है, डिजिट की फॉर्म में, और डिजिट की फॉर्म में भी किस किस में, 0 और 1 के रूप में ही काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर दोनों की सिमिलरिटीज होती है, यानी कि एनालॉग और जो डिजिटल कंप्यूटर है इन दोनों के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं हमारा, देखो एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। तो देखो ये मैंने कई बार बता दिया है, तो 4 प्रमुख कार्य जो होते हैं कंप्यूटर के, ये मतलब कौन कौन से होते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। क्योंकि देखो सबसे पहला क्या कार्य होता है इसका, इनपुट देंगे हम कंप्यूटर के अंदर, इनपुट मतलब कुछ भी डाटा वगैरह कुछ भी एंटर करेंगे वो होगा इनपुट। उसके बाद उसके ऊपर होगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग होने के बाद में उसका निकल के आएगा आउटपुट, और जब आउटपुट आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो है इनपुट, प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, फिर स्टोरेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन डी है, ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे सीक्वेंस पूरा दिखा रखा है। देखो यहाँ पे कोई भी डाटा जा रहा है, वो क्या कहलाता है, इनपुट, उसके बाद उसमें हुई प्रोसेसिंग, उसके बाद निकल के आया आउटपुट, और आउटपुट है वो किस तरह से निकल के आता है, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में किसी भी तरह से, इस तरह से जो रिजल्ट निकल के आता है ना वही होता है आउटपुट, और उसके बाद क्या होता है, स्टोरेज। ये सीक्वेंस है इसका। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्या लिया गया है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन वो है कि जो कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर है जो कि बहुत तेजी से जटिल गणनाएं करते हैं। तो देखो जो बहुत अच्छी बहुत स्पीड से काम करते हैं वो कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार के दिखते हैं ये, तो और सुपर कंप्यूटर है इसके बारे में मैंने बताया था सेट नंबर 1 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, यह वह, अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि ये वह विज्ञान है कौन सा, इनमें से बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन है जो कि वह विज्ञान है जो मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित करता है जो मनुष्य करते हैं। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट जो चल रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर, इसमें इसका यूज किया है। और जो 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो 2010 से शुरू है 5th जनरेशन के कंप्यूटर, इसमें यूज किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें बताना है कि ये कंप्यूटर बाइनरी अंकों की गणना करके काम करते हैं। तो इनमें से हमें बताना है, देखो ये यहाँ पे मैं ऑलरेडी बताया ही था मैंने कि जो बाइनरी अंक होते हैं उनकी गणना कौन सा कंप्यूटर करता है। तो बाइनरी अंक कौन कौन से हैं, 2 होते हैं बाइनरी अंक, 0 और 1, और 0 और 1 की गणना किस कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है, डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एनालॉग कंप्यूटर दिखने में किस तरह के होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर दिखने में किस तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ईसीजी और डायलिसिस जैसे अस्पताल में किस तरह का जो कंप्यूटर है, मतलब किस प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ईसीजी और डायलिसिस के लिए अस्पतालों की बात करें तो इसमें जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनीएक है, इसको किसने डिजाइन किया था, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो एनीएक कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं
तो इसको डिजाइन किया था जॉन मैचली और जे प्रेस्पर एकर्ट है इसके द्वारा। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, मैंने क्या बताया जॉन मैचली और जे प्रेस्पर एकर्ट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब साथ ही साथ देखो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये ENIAC है इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए या फिर इसका पूछ लिया जाए किस तरह का कंप्यूटर है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो देखो ENIAC की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये है इसकी फुल फॉर्म। और जो ये ENIAC कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है यहाँ पे नवीनतम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है यानी कि जो लेटेस्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनका हमें बताना है कि उनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये बताना है हमें। लेटेस्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो दोनों फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जाता है, पैरेलल फॉर्म में, पैरेलल और सिक्वेंशियली दोनों तरह से इसको जो इंस्ट्रक्शन है इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ये दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो ये तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होगा कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा PC, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर्स हैं वो जनरली मेन फ्रेम और जो सुपर कंप्यूटर है इस तक पहुंचने के लिए किसको लागू करते हैं ये बताना है। तो यूजर्स के द्वारा जनरली मेन फ्रेम या फिर हम कहें सुपर कंप्यूटर इस तक पहुंचने के लिए किसको लागू किया जाता है, नोड्स को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोड हमको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको याद रखना है नोड, ठीक है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भौतिक उपकरण है उनके जो तीन बुनियादी श्रेणी होती है वो कौन कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो फिजिकल उपकरण मतलब कि जो फिजिकल इक्विपमेंट है उनकी बात करें तो उनकी तीन जो बेसिक कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है, तो वो है सिस्टम यूनिट, फिर इनपुट आउटपुट और मेमोरी। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी है, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है ENIAC क्या था, ENIAC था तो ENIAC के बारे में मैंने बताया था कि ENIAC है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, ये चीज दे रखी है कि जो ENIAC है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और इसकी फुल फॉर्म भी मैंने बता दी थी, ठीक है, और इसका इसको मतलब कि किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था सारी चीज बता दी थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है यानी कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनकी अवधि यहाँ पे पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे एक एक चीज पता होनी चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं आपसे सेकंड जनरेशन का ही पूछा जाए, अगर फर्स्ट का पूछा जाए तो क्या होगा। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसकी अवधि है 1940 से लेके और 1956 तक, ठीक है, और फिर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड की 1956 से लेके और 1963 तक। फिर थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो 1964 से लेके और 1971 तक, ठीक है। फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो 1972 से लेकर और 2010, ठीक है। फिर आप बात करें फिफ्थ जनरेशन की तो फिफ्थ जनरेशन की जो अवधि है वो है 2010 से लेकर और टिल नाउ, ठीक है, अब तक इस तरह से करके। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब और चीज बताते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे आंसर तो आपको पता चल ही चुका होगा क्या होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है इनमें किस चीज का यूज किया गया, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है इनमें यूज किया गया ट्रांजिस्टर का, और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, और फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, और जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।